और अब बात फवाद चौधरी के पोस्ट पर हो रही सियासत की, क्योंकि पाकिस्तान के पूर्व मंत्री हैं फवाद चौधरी, राहुल गांधी के समर्थन में उन्होंने पोस्ट किया है। पोस्ट में लिखा, राहुल ऑन फायर, बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला किया, कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ, ये कहना है बीजेपी का। तो पाकिस्तान के पूर्व मंत्री हैं फवाद चौधरी, जो राहुल गांधी के फेवर में खड़े नजर आए, राहुल ऑन फायर, उन्होंने ये सिर्फ 3 शब्द लिखे, जिसके बाद सियासी गलियारों में भूचाल आ गया, क्योंकि पोस्ट में उन्होंने लिखा राहुल ऑन फायर, लेकिन इस पोस्ट पर अब बीजेपी जो है वो तंज कस रही है और बीजेपी सीधा सीधा कांग्रेस पर हमलावर है। और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए बीजेपी साफ कह रही है कि कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ। तो चौधरी फवाद हुसैन का ये पोस्ट आप देखिए, जिसमें उन्होंने एक और नया शगुफा छोड़ दिया है। कांग्रेस पार्टी अब इससे कैसे निपटेगी ये देखना होगा, क्योंकि सीधे सीधे पाकिस्तान से राहुल गांधी को अगर समर्थन मिल रहा है तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी को एक मुद्दा और मिल गया। बीजेपी इसे अब पूरी तरह से कैश करने की कोशिश करेगी, पूरी तरह से भुनाएगी कि देखिए कांग्रेस पार्टी जो है वो पाकिस्तान के साथ है। और यही वजह है कि उन्होंने आज ये कह भी दिया कि हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस का हाथ सीधा सीधा आगे लिखती है बीजेपी पाकिस्तान के साथ। अब कांग्रेस पार्टी इससे कैसे निपटेगी, क्या होगा, देखने वाली बात होगी। तो फवाद चौधरी ने एक पोस्ट किया, उस पोस्ट पर अब जमकर सियासत जो है वो हो रही है।